तो भाई यार, आप में से काफी सारे लोगों को लेटेस्ट मैजिक मैनेजर में रीपैकेज नेम करके, यानी कि पैकेज नेम बदलने के बाद उसको दोबारा से हाइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यार आज के इस वीडियो में उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करके उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आ जाना भाई तो वीडियो को भी लाइक करके जाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है और क्या वो फिक्स हो गई है बिना कुछ किए हुए। तो चलते हैं मैजिक मैनेजर में, और मैजिक मैनेजर में जाने के बाद आप देख सकते हो भाई लेटेस्ट वाला मैजिक मैनेजर है, दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है, बट इसमें यार प्रॉब्लम्स और बग्स तो काफ़ी सारे आ गए जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा मतलब ऑफेंड हो रहे हैं। मैंने नेट पे भी इसके बारे में चेक किया तो काफ़ी सारे इशूज़ इसमें देखने को मिले हैं मुझे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पर मैंने देखा, बहुत बहुत ही ज़्यादा। सो भाई यार चलते हैं सेटिंग में और एक बार देख लेते हैं इसको किसी और पैकेज नेम से हाइड करके। अगर हाइड हो जाता है फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बट मुझे लगता नहीं होगा क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ रही है। और अभी देखते हैं इसको फिक्स कैसे किया जाए, सब कुछ आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो अभी यार देखते हैं इसको हाइड करके, हाइड हो जाता है फिर तो ठीक है, बट यार मुझे लगता नहीं है हाइड होगा क्योंकि पहले मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, एट लास्ट फेल्ड देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी फेल्ड लिख के आ गया। सो भाई यार आप देख लेते हैं इसको फिक्स कैसे करना है। फिक्स करने के लिए आपको मैं कुछ सारी सेटिंग्स बता देता हूँ, वो आपको आपके फोन में करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको जाना होगा अपने फोन की सेटिंग में, तो चलते हैं अपने फोन की सेटिंग में, वहां पर आपको कुछ सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अबाउट फोन में जाना है, अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहाँ पर MIUI वर्जन दिख रहा होगा, इस पे आपको 4-5 बार टैप करना है, यानी कि आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन करना होगा। डेवलपर ऑप्शंस में आने के बाद में जस्ट आपको एक सेटिंग को इनेबल करना है। यहाँ पर आपको एक यूएसबी वाली सेटिंग देखने को मिलेगी, नीचे चलते हैं, ये यूएसबी वाली सेटिंग है, इसको जस्ट इनेबल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में इंस्टॉल वीआर यूएसबी लिख के आ रहा होगा, वहां पर आपको इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप इतना इनेबल कर देंगे आपको कुछ नहीं, जस्ट होम स्क्रीन पर आ जाइए और पहले से मिनिमाइज जो मैजिक मैनेजर है उसको आपको कट कर देना है। दोबारा से आपको मैजिक मैनेजर को ओपन करना है, दोबारा से ओपन करने के बाद में आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद भाई इसको आप देखते हैं किसी और पैकेज नेम से हाइड करके, हाइड होता है या फिर नहीं होता है, क्या करना है सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो भाई यहां पर पैकेज नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अभी इसको डन करते हैं। डन करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, थोड़ी देर लोडिंग होगी, उसके बाद में आपको जो ऑप्शन आएगा वहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ी देर लोडिंग हो जाने देते हैं, फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे इंस्टॉल का, जस्ट आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका जो मैजिक मैनेजर है वो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। और दोबारा से जब आप स्क्रीन पर आएंगे तो आप देख सकते हैं भाई आपका मैजिक मैनेजर पूरा गंजा हो चुका है, मतलब इसका जो पैकेज नेम है वो बदल चुका है जैसा कि आप चाहते थे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाना, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो यार शेयर भी कर देना। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love.